वेलकम टू ऑल, और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो वेसिकल फॉर्मेशन से रिलेटेड है कि माउथ के अंदर जो है फ्लूइड फील्ड जो ब्लिस्टर होते हैं वो किस किस कंडीशन में बन सकते हैं। तो जो फ्लूइड फील्ड कलेक्शन होता है ये बेसिकली क्या है कि जो आपका एपिथीलियम जो है उसका जो आपका बेसल लेयर है, तो कई बार ये बेसल लेयर के अबव एक गैप हो जाता है जो हमारा जंक्शन होता है जो एपिथीलियम को कनेक्ट करके रखता है, कंबाइंड करके रखता है। उस जंक्शन में जो वहाँ पे डेस्मोजोमल जंक्शन होते हैं, और ये जंक्शन का काम है एपिथीलियम के हर सेल को कंबाइंड करके रखना। जब इस सेल्स में गैप आ जाता है तो यहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, और कई बार ये एपिथीलियम के बेसल लेयर के ऊपर होता है और कई बार एपिथीलियम के जस्ट बीनीथ होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो गैप में जो फ्लूइड का कलेक्शन होता है ये डिफरेंट डिफरेंट बीमारी में हो सकता है। तो जिसमें कि मोस्ट कॉमन जो आपका आता है पैम्फिगस आता है, पैम्फिगॉइड आता है, तो ये सारे जो है वेसिकुलो बुलस लीजन होते हैं। वेसिकुलो और वेसाइकल का फॉर्मेशन या फिर बड़े बड़े बुल्ला का फॉर्मेशन, यानी कि जो बड़े साइज के जो फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर्स होते हैं उन्हें हम लोग बुल्ला भी कहते हैं। तो ये वेसिकुलो बुलस लीजन होते हैं। अब मैं बात करूँगी ऐसे और कौन सी बीमारी है जिसमें कि ये वेसाइकल बन सकते हैं। तो वेसाइकल जो है फ्लूइड फील्ड वेसाइकल अलग होता है और ब्लड फील्ड वेसाइकल अलग होता है। मैं अभी फ्लूइड फील्ड वेसाइकल की बात कर रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन जिसमें कि अगर किसी पेशेंट का लिप बाइट हो जा रहा है या लिप को वो बार बार चबाते हैं तो वहाँ पे भी फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग लिप का म्यूकोसील कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारी जो कि ऑटो इम्यून होती है, जिसे हमने कहा कि या तो वो पैम्फिगस है या फिर पैम्फिगॉइड है या फिर इस तरह से और भी एसोसिएटेड ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि जो बुलस लाइक एनप्लानस है, तो वहाँ भी फ्लूइड फील्ड कलेक्शन होता है। तो ये जो इस तरह की जो बीमारी है जिसमें कि जो जंक्शन है एपिथीलियम का डेस्मोजोमल जंक्शन वो वीक हो जाता है और वहाँ पे जो लूज यहाँ पे अटैचमेंट हो जाती है जिसके कारण उस लेयर में फ्लूइड का कलेक्शन होता है, और ये बेसल लेयर के ऊपर हो सकता है या सब एपिथीलियम यानी एपिथीलियम के नीचे भी हो सकता है, एपिथीलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक गैप आ गया। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि ये जंक्शन इतने वीक क्यों हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि आपका जो एपिथीलियम का जंक्शन है उस पर उसके जो बेसल सेल्स हैं उस पर आपके जो अपने इम्यून सेल्स हैं वो अटैक करते हैं, तो इसलिए इस बीमारी का नाम ऑटो इम्यून डिजीज कहा गया है इसको। और ये इम्यून सेल्स जो आपके डिफेंस सेल्स होते हैं उस डिफेंस सेल्स में ही जो है अपने सेल्स को पहचानने की कैपेबिलिटी नहीं रहती है, जिसके कारण वो उसे एज ए फॉरेन बॉडी समझते हैं और उस पर एक्ट करते हैं, ठीक है। तो अपने ही सेल को ये डैमेज पहुंचाता है। तो इस तरह से जो वेसाइकल का फॉर्मेशन है वो ऑटो इम्यून डिजीज में होता है। बट जो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस का केस है यहाँ पे डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो वेसाइकल बन रहा है वो टिनी साइज के होते हैं, छोटे छोटे साइज के होते हैं, और यहाँ पे ये क्रोनिक इरिटेशन के कारण बन रहा है, यानी कि जो आपका स्टिमुलस है जो आप गुटखा च्यू कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रोनिक स्टिमुलस वर्क कर रहा है, यहाँ पे कोई भी डिफेंस सेल्स के द्वारा अटैक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने इरिटेशनल फैक्टर को अगर आप रिमूव कर देते हैं, यानी कि जो आपका हैबिट है उसको अगर आप छोड़ देते हैं, तो आफ्टर ट्रीटमेंट जो उसका ड्यूरेशन है वेसाइकल फॉर्मेशन का वो घटेगा, और धीरे धीरे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी अगर 3 दिन में बनने की है वेसाइकल की, तो अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं और सही से आपकी डायग्नोसिस होती है और सही जगह से आप इलाज लेते हैं तो जो ड्यूरेशन है उसमें कमी आएगी, जो डिजीज़ फ्री इंटरवल है वो बढ़ेगा आपका। जैसे पहले 3 दिन पे होता था तो धीरे धीरे ये 15 दिन पे होगा, 20 दिन पे होगा, इस तरह से धीरे धीरे करके ही आप में ये बदलाव आएगा, और साथ में आपको अपने हैबिट को जो है वो परमानेंटली क्विट करना होगा और साथ में कोई नेक्स्ट हैबिट को ज्वाइन नहीं करना है। तो इस तरह से जो सेल्स हैं जो डैमेज्ड स्ट्रक्चर है उसका रिपेयर होने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आपको इसमें पेशेंस भी रखना होगा
कि आपने अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है और ट्रीटमेंट अभी मिड में है तो धैर्य से आपको रखना होगा अपने आप को, सो दैट कि ये ट्रीटमेंट जो है आपका कंप्लीट हो सके। लंबे समय तक इस बीमारी में इलाज लेना पड़ता है और आपको जो डाइट है उसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन से जाके देख लेंगे तो डाइट को भी आप अच्छे से फॉलो करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।